Welcome in geography class. In the last lecture, we had learned some part of the chapter number 2, location and extent. And in that part, we had learned about the preface of this chapter and identification of flag. Two flags were given and we had identified these two flags. Okay. Then now, today we are going to learn the next part of this chapter. Then now listen carefully. Here. Something about the flag is there. Okay. Now we are seeing here the flag of India. Then name of the country, Republic of India. Then name of the capital. The name of the capital India is New Delhi. Then location, extent and boundaries. अब हमें यहाँ पे कुछ मैप हमने वहाँ पे देखे थे जिसमें फर्स्ट मैप जो था हमारी इंडिया का. तो कंट्री का नाम यहाँ पे बताया गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. देन द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. देन लोकेशन, एक्सटेंड एंड बाउंड्रीज के बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं. तो चलो ध्यान से यहाँ पे ध्यान दो. इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. तो इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया जो लोकेटेड हुई है, वो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ईस्टर्न, नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन वहाँ पे है. इट इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. तो इंडिया जो है वो इंडिया एशिया के, एशियन कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है. विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इंडिया. फिल इन द डिग्री वैल्यू इन डिग्री द ब्लैंक स्पेसेस डैश डैश डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू डैश डैश डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड एंड बिटवीन डैश डैश डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू डैश डैश डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो यहाँ पे हमें ये ब्लैंक प्लेस जो है उसे फिलअप करना है. तो उसे फिलअप करने से पहले यहाँ पे जो फिगर बताई है, फिगर 2.1 इंडिया की, जिसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, जिसमें जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वहाँ पे बताया गया है. अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये बातें तो आपको पता होगी. तो लैटिट्यूड में हम कह सकते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो दिख रही है वो है हमारी लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन से ये है ना, तो ये लॉन्गिट्यूड वहाँ पे है. तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल इस तरह के जो एक्सटेंड है जिसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है. तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे किसके बारे में, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड के बारे में, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके बारे में. अब हमारा जो इंडिया है वो जनरली नॉर्थ हेमिस्फीयर में वहाँ पे आता है, और उसका कुछ ही पार्ट जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में वहाँ पे है. तो जिसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखो यहाँ पे एक नंबर भी वहाँ पे शो किया हुआ है. क्या नंबर है वहाँ पे? 8 डिग्री. तो यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. और ऊपर की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 36 ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है. अब 36 के थोड़ा सा ऊपर ये इंडिया का मैप का भूभाग जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है. तो इसे हम कह सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ओके, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल और सॉरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब जो वर्टिकल लाइन वहाँ पे बताए गए हैं उसका एक्सटेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हम ईस्ट साइड से वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. तो जहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. इस मार्क में हमें कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो है 68 वाला. तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जिसे हम कह सकते हैं. अब इंडिया की ईस्ट साइड में अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं तो ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है
96 का, तो 96 के थोड़ा सा आगे भी हमारा इंडिया का कुछ पार्ट वहां पे गया है, तो हम उसे कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे जो बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि इसे थोड़ा सा रब कर लेता हूँ मैं। हाँ, इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल। अब हमारे इंडिया का सबसे साउथ वाला पार्ट, साउथर्न मोस्ट टिप यानी पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। अब वो कहाँ पे है, तो उसका लोकेशन बताया गया है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ की तरफ, तो ये हमें दिखाई देगा कुछ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये इंदिरा पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है ना। तो ये है हमारा साउथर्न मोस्ट इंडिया का पॉइंट, इंडिया के पैरेलल में यहाँ पे है। तो ये हो गया इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट थिंग वहाँ पे बताई गई है। अब नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे एक चार्ट हमें दिखाई देगा। देखो ये चार्ट, तो ये चार्ट हमें यहाँ पे फिलअप करना है, जिसमें डायरेक्शन बताई गई है। फर्स्ट कॉलम में डायरेक्शन बताई गई है, सेकेंड कॉलम में नेबरिंग कंट्रीज, सीज और ओशन के बारे में बताया गया है। तो इस डायरेक्शन में आने वाली सबसे पहले हम कुछ जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उसे हम ढूंढने वाले हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं फर्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 10 की तरफ हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ कंट्रीज वहाँ पे दिखाई देगी जो नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ साइड में यहाँ पे हमें अफगानिस्तान ये कंट्री दिख रही है। देखो तो ये है नॉर्थ साइड की अफगानिस्तान, ये एक कंट्री। अब इस साइड में और एक कंट्री है, ये है चाइना, है ना। और दूसरी भी कंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है जो नॉर्थ साइड में है और इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, वो है नेपाल। और एक कंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है भूटान, है ना। तो इस तरह से हमने नॉर्थ साइड में जो कंट्रीज है उसे यहाँ पे देख लिया है। और उसके बाद नेबरिंग वाटर बॉडीज नॉर्थ साइड में हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब कोई भी ओशियन या सी नहीं है। जो सी हमें दिखाई दे रहा है वो साउथ साइड में और ईस्ट वेस्ट साइड में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ में किसी भी तरह का सी ओशियन हमारे इंडिया के नेबर में नहीं है। अब वेस्ट साइड में जो कंट्रीज है उस कंट्रीज के बारे में हम जानते हैं, तो वेस्ट साइड में हमें कौन सी कंट्री दिखाई